गुड मर्णिंग स्टूडेंट्स आज आम अध्याय दु आम चार पदार्थ विशुद्ध ने यह पाठ रही जो अंशखे बुझे चेस्ा करम यार आगर जी क्लास क्लास विभिन्न पृथकीकरण प्रक्रिया विषय क्या और आज आम इतना वायु उपादानबूर के पृथकीकरण कर तार विषय जानीम वायु माना असमहत्व मिश्रण वायु विभिन्न उपादान गठित विभिन्न गेसेरे गठित ये गेसबूर हम पे तुम अक्सिजेन हम पे कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन मिथेन जलीय बाष्प थाकिब पारे ये बस्तुबूर आम के वायर पर पृथक करम ये पृथक प्रक्रिया तो इतना दिया प्रथम स्टेप तो आम से चाप प्रयोग कर वायु संकोचन कर प्रथम आम वायु चाप प्रयोग चाप प्रयोग कर पिने यार इक संकुचित लगे कम जेगत भराब लगे तमें वायु संकुचित लगे तार पद उष्णता कमाय चेचा कर तरल वायु पा जा संकुचित कर पद आम इष्णता कमाय दु लगे उष्णता कमाय दिले आम तरल वायु पा तरल वायु पा जा तार पद तरल वायु आंशिक पाटन स्तम्भ ला ला गरम कर आंशिक पाटन स्तम्भ ये स्तम्भ तो जो आम लाख ला इक गरम करूँ ते हम इं उतलांक अनुजाई यार निजर निजर उतलांक अनुजाई विभिन्न स्तम्भर विभिन्न स्तर इ रही जा तमें धर अक्सिजेन जी उतलांक बेलेग हम कार्बन डाइऑक्साइड उतलांक बेलेग हम मिथेन उतलांक बेलेग हम यह बस्तुबूर तमें निजर उतलांक अनुजाई विभिन्न स्तर स्तम्भ तो विभिन्न स्तर थको स्तरबाक रही जाने आम वायर जी उपादान उपादानी पृथक कर पारिम तार उपरी और आन एट पृथकीकरण प्रक्रिया दिया अशुद्धुक्त अशुद्धिजुक्त कपार सालफेट सी इ एस एफ कपार सालफेट एट द्रव यह कपार अशुद्धिजुक्त कपार सालफेटर पर आम के विशुद्ध कपार सालफेट पा पारो कपार सालफेट साधारण विभिन्न अशुद्धि इगत मिक्स होशुद्धिखि आतरा पिने आम के विशुद्ध कपार सालफेट पा पारो इतने विभिन्न स्टेप आस प्रथम स्टेप तो दी से 5 ग्राम मान अशुद्धिजुक्त कपार सालफेट आम लो लगे एन बन चाइना प्लेट चीना माटिर प्लेट एनतक आम 5 ग्राम कपार सालफेट ललो तार पद इक कम आयतन पानी द्रवीभूत करम खूब कम पानी आम इक द्रवीभूत करम तार पद अद्रवन अशुद्धि सेकी पृथक कर तमें तक जी अद्रवन अशुद्धि मिक्स होम पीछे सेकीम सेकी पिने अशुद्धिखि पृथक करम तार पद जी कपार सालफेट रही जा कपार सालफेट द्रव तो आम बाष्पीभूत करम बाष्पीभूत गरम कर इतना बाष्पीभूत जी हमारा अंश सीखी बाष्पीभूत हम और बाष्पीभूत कर पिने आयतन कम लगे तार पद द्रवन तो फिल्टार कागजरे थी ठंडा हमें दिया तार पद जी बाष्पीभूत हर पद जी कपार सालफेट रही जाने आम एन फिल्टार कागजरे मेरिया थम मेरिया थी पिने एदिन कारण थम थे कि हम ये कपा फिल्टार कागज भर आम किसान स्फटिक देखा पा और स्फटिकबूर हम विशुद्ध कपार सालफेटर स्फटिक विशुद्ध कपार सालफेटर सालफेटर स्फटिकखिनि फिल्टार पेपर भर रही जा ये गोटे प्रक्रिया क्या है स्फटिकरण यह प्रक्रिया तो आम आम साधारण व्यवहार करमख सगर पानी पर निमख बन प्रक्रिया व्यवहार है आगत पासी सके आग क्लास तार उपरी पास बस्तु दिया आज भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ये क्लास 7 तो आसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन माने कि मैं पार्थक्यर मजेरे दूटा बस्तु बुझा चेस्ा कर प्रथम भौतिक पार्थक्य भौतिक परिवर्तन और द्वितीय रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कि है अवस्थार परिवर्तन घटे अवस्थार परिवर्तन घटे तमें इतने मैं उदाहरण दी गस कटा गसडाल आगत जनेक आटार पद बेलेग ये भौतिक परिवर्तन इतने कतुन बस्तु सृष्टि हुआ ना गसडाल काटिले आम का पाँम तक और नतुन बस्तु एक नपाव गसर बस्तु पा जा तार पानी उतलाय जलिय भाप कर भौतिक परिवर्तन उदाहरण कितना रासायनिक परिवर्तन कि हम इतने एविध पदार्थ आनविध पदार्थर बिक्रिया बिक्रिया पिने नतुन पदार्थ उत्पन्न हम रासायनिक परिवर्तन क्षेत्र यह परिवर्तन क्षेत्र नतुन पदार्थ सृष्टि है और उदाहरण ये दी आज मामरे धरा मामर जैसे धरा नतुन पदार्थ उत्पन्न है मामर माना फेरिक अक्साइड ये फेरिक अक्साइड उत्पन्न हर मामर लगे तार उपरि कागज और काठ पुरी नतुन बस्तुर उत्पन्न हम सीकार क्या रासायनिक परिवर्तन मन रखा भौतिक परिवर्तन माना अवस्थार परिवर्तन इतना कोई रासायनिक परिवर्तन रासायनिक नतुन पदार्थ एक उत्पन्न नए कि रासायनिक परिवर्तन क्षेत्र कि हम नतुन पदार्थ सृष्टि हम आम पदार्थ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन विषय शिकिल पदार्थर प्रकार कई प्रकार
এই প্ৰকাৰটো জানিব লাগিব। পদাৰ্থৰ প্ৰকাৰ আমি এটা দুই প্ৰকাৰ পাম, যৌগ আৰু মৌল। মৌল আৰু যৌগ, ইয়াতে প্ৰথমতে আমি লিখিছোঁ মৌল। 1631 চনত ৰবাৰ্ট বইল নামৰ বৈজ্ঞানিকজনে মৌল শব্দটো উদ্ভাৱন কৰিছিলে। 1661ত তাৰমানে প্ৰথমে মৌল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে এই ৰবাৰ্ট বইল নামৰ যিজন ৰসায়নবিদ আছিলে তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তাৰ উপৰি মৌলৰ এটা সূত্ৰ আছে, যিটো সূত্ৰ এই ধাতুকল্পখিনি একেবাৰে ধাতু আৰু অধাতুৰ মাজত থাকিব, ধাতু আৰু অধাতুৰ মাজত পৰে। সেইকাৰণে ই ধাতুৰ আৰু অধাতুৰ দুয়োটাৰে ধৰ্মবিলাক দেখুৱায়। উদাহৰণ হৈছে চিলিকন, বৰণ, জাৰ্মেনিয়াম। এনে এবিধ ধাতু আমি পাওঁ যিটো সাধাৰণ অৱস্থাত তৰল হিচাপে পোৱা যায়, সেইটো হৈছে পাৰা বা মাৰ্কাৰী। ধাতুবোৰ সাধাৰণতে কঠিন, কিন্তু এইটো একমাত্ৰ ধাতু যিটো তৰল অৱস্থাত পোৱা যায়, এইটো কোৱা হয় পাৰা বা মাৰ্কাৰী। ইয়াৰ উপৰি পদাৰ্থৰ দ্বিতীয় প্ৰকাৰটো হৈছে যৌগ। যৌগ মানে কি? দুটা বা ততোধিক মৌল যদি লগ হয় তেন্তে যৌগ গঠন হ'ব। দুটা বা ততোধিক মৌল লগ হ'ব লাগিব, এতিয়া যৌগ গঠন হ'ব। যৌগ কিছুমান উদাহৰণ দিয়া আছে, ইয়াতে পানী, তাৰপিছত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, ছডিয়াম ক্লৰাইড। এইটো যৌগ বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ হাইড্ৰজেন মৌল আৰু অক্সিজেন মৌল দুটা লগ হৈছে, ইয়াতে এটা হৈছে। কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন দুটা বেলেগ বেলেগ মৌল লগ হৈ পিনে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড গঠন হৈছে। ইয়াতে ছডিয়াম আৰু ক্লৰিন দুটা বেলেগ বেলেগ মৌল লগ হৈ পিনে ছডিয়াম ক্লৰাইড গঠন হৈছে। সেইকাৰণে এই পাতটো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে। এই পাতটোত আমি এতিয়ালৈকে কি কি পাইছোঁ? আমি মিশ্ৰণৰ বিষয়ে শিকিলোঁ। মিশ্ৰণ সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰৰ, সমসত্ব আৰু অসমসত্ব। সমসত্ব আৰু অসমত্ব, ইয়াৰে আকৌ কিছুমান ভাগ থাকে। আমি পাইছিলোঁ দ্ৰৱণ, পাইছিলোঁ এটা সমসত্ব মিশ্ৰণ, পলম্বন পালোঁ, কলয়দৰ বিষয়ে শিকিলোঁ। তাৰ উপৰি আমি বিভিন্ন পৃথকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে শিকিছোঁ। তাৰ উপৰি ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক যিটো পৰিৱৰ্তন পদাৰ্থৰ, এইটো আমি পালোঁ। তাৰ উপৰি লাষ্টত আমি কি পালোঁ? মৌল আৰু যৌগ, এই দুটা বস্তু।